हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पिक्सल और पंडोल में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एमएस वर्ड पार्ट 6 में जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया गया था, उसी थ्योरेटिकल के बेस पर आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक फिगर दिया गया है जो एमएस वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप का ये फिगर है, जिसमें मैंने सारे ऑप्शंस का यहाँ लेबल दे दिया है, जैसे कि ये बुलेट्स है, ये नंबरिंग है, ये मल्टी लेवल लिस्ट है, ये हमारा दोनों इंडेंट है, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये शॉर्ट, ये पैराग्राफ मार्क, ये चार अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड में, ये लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये आपका शेडिंग है और ये आपका बॉर्डर्स है। ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इस ये सभी जानकारी मैंने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में दिया गया था। अगर आप अभी तक हमारा वो क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उस क्लास को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद अगर आप हमारा ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिकल सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखे हैं, अगर मुझे इस सभी लाइन्स में बुलेट लगाना होगा तो मैं अपने कर्सर को इस लाइन के स्टार्टिंग में रखूँगा, मैं बुलेट ऑप्शन में जाऊँगा और जो भी बुलेट मुझे पसंद आएगा मैं उस बुलेट ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। लेकिन ये क्या, ये तो केवल एक ही लाइन में लगा, मतलब आप अगर सिंगल केवल आप कर्सर रखते हैं तो ये वन बाई वन एक लाइन में लगेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार में मेरा ये सारा पे लग जाए तो आपको ये सभी को एक बार में सेलेक्ट करनी होगी, जैसा कि मैंने कर लिया और मैं बुलेट वाले ऑप्शन में जाऊंगा और मुझे जो भी ऑप्शंस यहाँ से पसंद आएगा मैं उस ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये बुलेट लग गया। अगर मुझे बुलेट, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर आपको ये सभी बुलेट्स में से कोई बुलेट पसंद नहीं आता है तो आप न्यू बुलेट कैसे लेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में बुलेट्स, मतलब ये सिंबल के रूप में बहुत सारे बुलेट्स का ऑप्शन ओपन हो गया। आप जो भी सिंबल्स चूज करेंगे, जैसा कि मैं ये एक ले पा रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके बटन पर प्रेस किया, ओके कर दिया, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये दो को लगाया था तो ये दोनों पर लग गया, बाकी को लगाना होगा, मैं सेलेक्ट कर लूँगा और वो बुलेट आपके इस लिस्ट में जो बुलेट लाइब्रेरी के नाम से जाने जाते हैं इसमें ये ऐड हो गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बुलेट का कलर भी ले सकते हैं, मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बुलेट के जस्ट राइट साइड में नंबरिंग। नंबरिंग क्या होता है वो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप बुलेट में देख रहे हैं कि ये जैसे फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, इसी तरीके से आगे बहुत सारे लाइन्स हमारे सामने में अवेलेबल है, बट मुझे ये तो पता नहीं है कि ये कौन सा लाइन है, क्योंकि मैंने क्या किया है नंबर नहीं देख के उसकी जगह पर एक सिंबल दिया है, तो मुझे काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th लाइन है, तो इस तरीके से मुझे दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूँगा, जब हमारा लंबा सेंटेंस होगा यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे तो आप पॉइंट को ज़्यादा बेटर होगा, तो आप पॉइंट्स को ज़्यादा बेटर होगा मेरे दृष्टिकोण से कि आप बुलेट नहीं लगा के आप नंबर लगाएंगे, जैसा कि मैं लगाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, मैं इस ऑप्शन पर आया और इस तरीके से बहुत सारे लाइंस के स्टाइल है, जैसे कि 1 2 3, ये ब्रैकेट के साथ, ये रोमन डिजिट में, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल मैं ये लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बुलेट्स और ये नंबर, अब मैं इसको नन कर देता हूँ। दोस्तों अब हम बात करेंगे मल्टी नंबर लिस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, मल्टी नंबर लिस्ट जनरली आपको जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ आपको ज़्यादा फायदेमंद होता है,
जैसे कि मैं एक कोई भी एज फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन देने हैं तो मैं कैसे लगाऊंगा। जनरली मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन के लिए मैंने ये हेडिंग ले लिया, मैं एग्जांपल के दृष्टिकोण से मैं केवल ये टाइप कर रहा हूँ। अब मैं ऑप्शन लिखूंगा सेकंड ऑप्शन, तो मैं क्या करूँगा इसको मैं मिटा दूंगा। अब यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन ले लिया, अब ये मेरा ऑप्शन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा ऑप्शन है, ये मैंने कुछ ऑप्शन ले लिया। अब मुझे ई जो ऑप्शन है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको मिटा दूंगा। तो अब मैं सेकंड कैसे लाऊंगा, अगर मैं कोशिश करूं तो टू लिख के अगर मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और स्पेस दूंगा तो वो टू अपने आप आ जाएगा। फिर ये मेरा क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दिया मैंने। मैं यहाँ से फिर ऑप्शन के लिए ले लूँगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये तरीका गलत है, ठीक है, बनने को तो आपका क्वेश्चन बन रहा है, फॉर्मेटिंग अच्छा हो रहा है, लेकिन ये तरीका गलत है। अब आपको फिर आप सॉरी ठीक है, तो आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे करेंगे चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ से एक स्टाइल चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये एक स्टाइल चूज कर लिया, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, अब मैं इंटर दबाया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई भी एक नंबर लिख दूंगा, जैसे कि मैं बी को टाइप किया, एक बार इंटर दबाऊंगा। अब मैं अपने कर्सर को यहाँ रखूँगा और टैब बटन प्रेस करूंगा, कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब, इसको मैं प्रेस करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं जो रोमन में टू था अब वो उसके साइड में चला गया और एक नया बुलेट क्रिएट हुआ, एक नया ऑप्शन क्रिएट हुआ आपके सामने में। अब आप इस तरीके से क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को क्रिएट करेंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर सेकंड में आप आएंगे, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर थर्ड आ गया तो आप कोई भी एक डिजिट पहले लिख देंगे, ठीक है, फिर नीचे हमारे नीचे प्रेस करेंगे इंटर और फिर आप टैब दबाइए। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि आपका ये बुलेट्स या फिर नंबर जो भी आप अप्लाई किए होंगे वो आपका बिगड़ नहीं रहा है, एकदम सीधा जा रहा है। इसमें आपका क्या होंगे कि आपके मेहनत कम लगेंगे, आपको ज़्यादा मतलब काम नहीं करना होगा, आपका बुलेट या फिर नंबरिंग आपका जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो लिस्ट आपका तैयार होता चला जा रहा है। तो ये आप आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी एक बटन प्रेस कर देंगे, फिर मैं टैब दबाऊंगा, तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें और पढ़ सकें। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अब है आगे आपका इंडेंट, ये आपका डिक्रीज इंटेंट है। देखिए दोस्तों, ये आपका मार्जिंग है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ ये इस एरिया में मार्जिंग है। मैं एक जगह और से दिखा सकता हूँ, आप जो ये छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स जो आपका रूलर का रहता है, ग्रिड लाइन सॉरी जो ग्रिड लाइन बना हुआ है, ये एरिया आपका राइटिंग एरिया है और बाकी एरिया आपका मार्जिंग है। आप मार्जिन में कुछ नहीं लिख पाएंगे, तो इससे इधर मतलब लेफ्ट साइड आपका इंडेंट नहीं जा सकता। हाँ, राइट साइड अगर आप करना चाहें तो राइट साइड आप इंडेंट रख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जनरली जब आप एप्लीकेशन टाइप करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जाएगा। अगर आपको केवल ऊपर वाला लाइन करना होगा तो आप कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इंडेंट इंक्रीज और ये डिक्रीज। नेक्स्ट है आपका ये शॉर्ट, जैसा कि मैंने आपको इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था,
कि मैं इसकी चर्चा एमएस एक्सेल में करूंगा, यहाँ नहीं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये पैराग्राफ मार्क है, ये केवल शो और हाइड करने के लिए होता है। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पैराग्राफ लिए होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ इंटर प्रेस किया तो ये एक पैराग्राफ हुआ, मैंने यहाँ एक स्पेस लिया तो जितना भी जगह आपने एक्स्ट्रा काम किया होगा वहाँ पर ये एक मार्क इंसर्ट करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो वर्ड के बीच में मैंने स्पेस दिया था तो वहाँ एक डॉट ले लिया है। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया था तो मैंने यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सिंबल होगा। अगर मैं कहीं पर टैब प्रेस करता, जैसे कि मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए ये एक टैब का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये पैराग्राफ मार्क है शो और हाइड के लिए। अगर आपको ये हाइड करना है तो फिर से आप दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये अलाइनमेंट, एमएस वर्ड में चार अलाइनमेंट होते हैं, ये लेफ्ट, ये राइट, ये सेंटर, ये जस्टिफाइड। बाय डिफॉल्ट हमारा जो डेटा होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होते हैं। अब मैं इसका काम करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट पहले से सेलेक्ट है। चलिए अगर मुझे इसे सेंटर में करना है, मतलब इस राइटिंग एरिया के बीचों बीच, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? जनरली बच्चे क्या करते हैं कि स्पेस दबा के बीच में आते हैं, ये तरीका गलत है। आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन है अलाइनमेंट का, सेंटर अलाइनमेंट। आप अपने इस वर्ड को सेलेक्ट करें या फिर आप सिंपली कर्सर भी इसके बीच में रख सकते हैं और सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। इसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ अगर आप ई बटन प्रेस करते हैं तो आप सेंटर अलाइनमेंट में चले जाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है राइट। चलिए मैं इसी वर्ड को राइट में डालता हूँ। अब ये कब काम आता है, जैसा कि आप कभी कभी एप्लीकेशन टाइप करते होंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर नीचे में जो सिग्नेचर के लिए ऑप्शन दिया जाता है, तो आप इस राइट अलाइनमेंट से कर सकते हैं। इसको लेफ्ट में लाऊंगा, कंट्रोल प्लस एल कर सकते हैं लेफ्ट के लिए, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और ये जस्टिफाइड एलिमेंट कंट्रोल प्लस जी। क्या होता है जस्टिफाइड, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दो तीन लाइन को एक साथ मर्ज करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये तीन लाइन का एक पैराग्राफ बना। जहाँ मैं तीनों लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल सीधा है, जबकि राइट साइड से कोई आगे कोई पीछे है। तो मुझे दोनों साइड एडजस्ट करना होगा, तो मैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों साइड एकदम सीधा हो गया, मतलब ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट में एडजस्ट हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। ये है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब जब हम ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मैंने लिखा, तो इस दोनों सेंटेंस के बीच में जो स्पेस है वो हमारा कहलाएगा लाइन स्पेसिंग। तो चलिए इस लाइन स्पेसिंग को हम लोग एडजस्ट करते हैं। अभी हमारा 1.0 है, अगर मुझे ये बड़ा करना होगा तो देख रहे हैं ये बड़ा हो रहा है। दो लाइन्स के बीच में स्पेस एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ से प्रयोग करते हैं। जैसा जैसा जो जैसा काम रहेगा वैसा आप इसको देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ये शेडिंग है। शेडिंग कलर होता है, जैसा कि आपने होम टैब में जो आपको फॉन्ट ग्रुप में पढ़ाया गया था, ये था आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट। हाईलाइटेड टेक्स्ट क्या था कि आपके वर्ड के बैकग्राउंड में कलर लगता था। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं आपको शेडिंग कलर पढ़ा रहा हूँ। शेडिंग कलर में क्या है कि आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो आपका राइटिंग एरिया है सब मिलाएगा, ये आपका शेडिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का है कि बॉर्डर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बॉर्डर क्या होता है। अगर मुझे यहाँ पर एक लाइन चाहिए तो आप एक अंडरलाइन ले सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन केवल वर्ड के नीचे में आएगा। अगर मुझे पूरा अंडरलाइन लेना होगा तो मुझे एक बॉर्डर लेना होगा, वो बॉर्डर कहलाएगा बॉटम बॉर्डर, क्योंकि मेरा कर्सर वर्ड के ऊपर था इसीलिए बॉटम बॉर्डर। अगर मेरा कर्सर यहाँ है और मुझे ऊपर चाहिए तो मुझे लेना होगा
टॉप बॉर्डर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर चार प्रकार के होंगे, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर आप ले सकते हैं। कुछ इस तरीका का भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं। अगर आपको चारों साइड से बॉर्डर चाहिए तो आप आउटलाइन बॉर्डर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक आउटलाइन बॉर्डर लिया। अगर मुझे बॉर्डर को रिमूव करना होगा तो मैं वन बाय वन भी रिमूव कर सकता हूँ, या फिर सीधे मैं नो बॉर्डर कर दूंगा तो सब हट जाएगा। चलिए बॉर्डर में ही थोड़ा सा एडवांस देखते हैं कि आप बॉर्डर का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये बॉर्डर लिया था, अगर मुझे इस तरीके का बॉर्डर चाहिए ट्रिपल लाइन का तो मैं ओके कर लूँगा। अब देखिए आपका बॉर्डर का डिज़ाइन चेंज हो गया। इस तरीके से आप अपना बॉर्डर का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप बॉर्डर का कलर भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।